आज भारत में लगभग जिन व्यक्तियों के पास स्मार्टफोन है उनके पास फेसबुक अकाउंट लाजमी है। अगर हम बात करें भारत में फेसबुक के यूजर तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी फेसबुक के बढ़ते यूजर की वजह से आपने देखा होगा आए दिन फेसबुक हैक होने की, फेसबुक की क्लोन मतलब फेसबुक की फेक आईडी आदि बनने की खबर आती है। बात तो तब बढ़ जाती है जब किसी व्यक्ति विशेष जाति धर्म आदि के आधार पर फर्जी आईडी से टिप्पणी की जाती है। किसी व्यक्ति के नाम की आईडी बनाकर उसके नाम का दुरुपयोग किया जाता है और साथ ही साथ कभी कभी किसी फेसबुक क्लोन आईडी से पैसों की डिमांड की जाती है, पैसों की मांग की जाती है। इससे व्यक्ति की छवि पे तो धूमिल होती है साथ ही साथ धीरे धीरे लोगों का भरोसा भी उठने लगा है। आज की बदलती परिदृश्य में बदलती दुनिया में हम सभी धीरे धीरे इंटरनेट पर आश्रित होते जा रहे हैं। मतलब आज का समय और आने वाला समय अब इंटरनेट का हो गया। इन इंटरनेट पर जो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, तमाम सोशल मीडिया के साइट हैं, हम उन पर विजिट करते हैं और हैकर्स इन्हीं का फायदा उठाकर हमारी क्लोन आईडी बनाते हैं। आज हम बात करते हैं इन क्लोन आईडियो से हमें कैसे बचना है, इन हैकर से कैसे बचना है और क्या क्या दिक्कतें ये हम तक कर सकते हैं या हम सभी को कैसे बचाव करना चाहिए। मैं दुर्गेश जायसवाल इलेनी विद दुर्गेश पर एज ए गेस्ट के रूप में अपनी बातें आप तक रखूंगा। जी हाँ, क्या आप भी फेसबुक चलाते हैं? अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। हम सभी अगर फेसबुक पर जुड़े हैं सबसे पहला कुछ सावधानियां हमें और आपको भी करनी चाहिए। पहला, किसी भी व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर पैसे मांगने पर आप तुरंत उसे पैसे ना दें। जब तक आप उस व्यक्ति को कॉल मैसेज आदि के द्वारा पूरी तरह से वेरीफाई ना कर लें कि आपका सगा संबंधी आपके घर परिवार या मित्र है, तब जाकर ही आप उस व्यक्ति को किसी प्रकार का आर्थिक मदद करें। दूसरी बात, ये किसी व्यक्ति के जब आईडी हैक करते हैं तो हैक करने के लिए इन्हें क्या क्या चीजें जरूरत होती है। प्रायः लोग अपने मोबाइल नंबर से आईडी फेसबुक क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग तो मेल आईडी का प्रयोग करते हैं, ऐसी अलग ही मेल आईडी जो उसका यूज हम कभी ना करते हैं। लेकिन जिनकी आईडी क्लोन बनती है, जिनके अकाउंट हैक होते हैं, तो हैक और क्लोन दो अलग अलग चीजें हैं। जिनकी हैक होती है हम पहले उन पर बात करते हैं, उनमें क्या क्या दिक्कत होने की वजह से उनकी आईडी हैक होती है। पहला कारण, जब किसी का यूजर नेम मोबाइल नंबर हो और पासवर्ड भी वही हो, उस दशा में उनकी आईडी हैक होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। प्रायः लोग उसी मोबाइल नंबर को उल्टा कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, अपने डीओबी को, अपने मोबाइल नंबर को आदि को ही अपना पासवर्ड बना के रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों का 99% है कि उनकी आईडी हैक हो जाती है और हैक होने के बाद हैकर्स उनकी आईडी से मैसेज करना, फर्जी टिप्पणी करना, लोगों से पैसे मांगना आदि कृत्यों को करता है। इसलिए आप निरंतर अपने फेसबुक आईडी के पासवर्ड बदलते रहें, साथ ही उसमें गेट नोटिफिकेशन रखें कि जैसे कहीं अन्य डिवाइस पे नंबर आपका लॉगिन होता है आईडी आपको सूचना मिल जाए और आप एक जगह से प्राय आप हर जगह से लॉग आउट करते चलिए और नए नए पासवर्ड क्रिएट करते रहिए। ये है आपकी अपनी जो आपकी आईडी हैक होने से बचाने का तरीका। दूसरा, किसी भी फर्जी लिंक पर क्लिक ना करें। आज के दिन में व्हाट्सएप फेसबुक आदि जगह एक लिंक आता है कि आप इसके तरफ से 500 रुपए है, ये रिचार्ज जियो का है, 999 का, अमेजन का, तो तमाम तरह के उन कंपनियों के भी नाम खराब करने के लिए आपके पास फर्जी लिंक आते हैं। किसी भी दशा पर उन लिंक पर क्लिक ना करें और अगर आप उन लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप फेसबुक समेत अपने मोबाइल के वॉलेट में धरे पैसों से भी हाथ धो बैठेंगे, साथ ही साथ आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो भी उन तक पहुंच जाएगी। दूसरी है क्लोन आईडी। क्लोन आईडी का मतलब है आपके जैसी हूबहू दूसरी आईडी बना देना। लोग तो यही समझते हैं लोग बात कि आप ही हैं, इसलिए जिनके ब्लू टिक हो, जल्दी मेरी आईडी भी अभी आपको मिल जाएगी ब्लू टिक में, तो जो ब्लू टिक होती है वेरीफाइड अकाउंट को छोड़कर अन्य कभी भी किसी भी अकाउंट के द्वारा मैसेज के द्वारा पैसे मांगे जाए, किसी टिप्पणी की जाए या किसी प्रकार की अनुशासनहीनता की जाए, इसके लिए आप तुरंत अपने नजदीकी साइबर क्राइम को सूचित करें या आप माननीय मुख्यमंत्री जी के, उत्तर प्रदेश अगर आप हैं या अन्य राज्यों से होंगे तो आप जो उस राज्य की पुलिस है उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करें, तत्काल आप वहां पर एफआईआर दर्ज कराएं, ई एफआईआर यथाशीघ्र दर्ज कराएं। जी हाँ, जैसे ही आपको कोई दिक्कत या कोई समस्या होती है तुरंत अपने
नजदीकी थाने पर सूचना दें और साथ ही साथ इसकी तत्काल सूचना EFIR के माध्यम से उपलब्ध कराएं। अब हम क्रमारूप से बात करते हैं कि हैकर क्या क्या चीजें आपका फायदा उठाते हैं। पहले आपकी पॉपुलरिटी, आपका नाम और आपके फ्रेंड लिस्ट में जो नंबर होते हैं वो उन्हीं को टारगेट करते हैं, उन्हें मैसेज करते हैं कि मुझे जल्दी से 10,000 जरूरत है, 5,000 जरूरत है, अपना पेटीएम नंबर, गूगल पे, फोन पे आदि जो नाम होता है वो आपको देते हैं कि आप जल्दी से पेमेंट करें, और जब जल्दी से आप पेमेंट करते हैं तो आप फिर उसको आप ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा, जब वो क्लोन आईडी आपकी क्रिएट करते हैं तो भी आपका यही काम करते हैं। तो आप लोग अगर आप फेसबुक चलाते हैं, अगर आप फेसबुक यूजर हैं, तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा कि आप अगर फेसबुक पे हैं तो किसी के द्वारा मांगे गए पैसे नहीं देने हैं आपको, किसी भी द्वारा अगर कोई पैसे मांगे जाते हैं किसी भी आईडी से, क्योंकि कभी भी किसी की भी आईडी हैक हो सकती है। जब माननीय प्रधानमंत्री का ट्विटर हैक हो सकता है तो कुछ भी, लेकिन हमें सावधानी बरतने से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और सुरक्षित औरों को भी कर सकते हैं। तो आप सभी साथी अगर आप फेसबुक चलाते हैं इन बातों को ध्यान में रखिएगा। पहला, लगातार अपने पासवर्ड बदलते रहिएगा। पासवर्ड में कदापि अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, अपने सगे संबंधियों का मोबाइल नंबर या आदि ऐसे सरल पासवर्ड रखने का प्रयास ना करिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पासवर्ड रखने से बचिएगा, कुछ लोग उल्टा सीधा करके रखते हैं। तीसरा, अपने आईडी से आए दिन कभी लिखते रहिएगा कि मेरे द्वारा कभी भी किसी प्रकार से किसी से भी पैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के माध्यम से नहीं मांगे जाएंगे। उसके अलावा आपकी जो आईडी है उस आईडी की सिक्योरिटी लगातार आपको चेक करते रहना चाहिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड लिस्ट की जो सूची उसे छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि हैकर सबसे पहले आपके फ्रेंड लिस्ट पर ही वार करते हैं और उस फ्रेंड लिस्ट के माध्यम से ही आप तक पहुंचते हैं। कुछ लोग फ्रेंड लिस्ट तो छुपा लेते हैं लेकिन टैग करके रखते हैं, तो जिन लोगों को, कुछ लोग 90 लोग 100 लोग 30 लोग को टैग करते हैं, ये माना जाता है इनके घनिष्ठ हैं जिन्हें टैग किया, तो उनको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर, उन्हें भी मैसेज भेजकर आपके पैसे की डिमांड करते हैं आपकी क्लोन आईडी से, और आप चाहकर भी नहीं बच पाते। इसके लिए अपनी क्लोन आईडी को ज्यादा ज्यादा रिपोर्ट कराइएगा, लोगों से रिपोर्ट कराइएगा और तत्काल इसकी सूचना अपने थाने में दीजिएगा, क्योंकि आपकी आईडी क्लोन बनने से और आपकी आईडी हैक होने से आपके व्यक्तिगत जानकारी साझा हो सकती है, आपके नाम, आपके व्यक्तित्व पर प्रहार हो सकता है, आपके व्यक्तित्व पर उंगली उठ सकती है। इसलिए इन सभी चीजों से बचिएगा और दूसरों को भी बचाइएगा, क्योंकि आज के समय में हम सभी सोशल मीडिया पर धीरे धीरे आश्रित होते जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम इसके बाद एक वीडियो लेकर आए जिसमें हम ये बताएं कि आपके अपने आईडी को कैसे सुरक्षित करना है, स्टेप बाय स्टेप क्लोन आईडी से कैसे बचना है और अपने आईडी को हैक होने से कैसे बचाना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सबसे पहले वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। अगर आप इसकी डिमांड करते हैं तो हम एक वीडियो लेकर आएंगे जहां हम ये बताएंगे कि आप अपने फेसबुक के सेटिंग, जैसे अगर आप फेसबुक पर सेटिंग करते हैं तो सेटिंग करने के मतलब सेटिंग करके आप कैसे अपने आईडी को सेव कर सकते हैं, अपनी आईडी को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करिएगा, उस वीडियो को सभी साथी मित्रों तक साझा करिएगा। इसके बाद हम आपके जागरूकता के लिए लगातार एक एक करके वीडियो लेकर आएंगे, कैसे साइबर अटैक हो रहे हैं और हमें साइबर अटैक से कैसे बचने हैं, साइबर हमलों से हमें कैसे बचने हैं, क्योंकि हम सुरक्षित, आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित, तो हमारा देश जरूर सुरक्षित होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिएगा, लोगों को जागरूक करते रहिएगा और किसी भी प्रकार के फ्रॉड होने से बचिएगा, और अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो तत्काल सूचना अपने नजदीकी थाने पर, अपने क्राइम ब्रांच में और EFIR के माध्यम से तुरंत FIR करेगा। थैंक यू आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो लगता है देश हित में, राष्ट्र हित में है, लोगों के हित में है, तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं ताकि आप भी साइबर क्राइम से सुरक्षित रह सकें। थैंक यू।